सबके पास किससे है? आपका सवाल क्या है और किससे है ये बताइए भैया। मोर सवाल हवा कांग्रेस प्रवक्ता से, मैं पूछना चाहता हूँ से कि संविधान की रक्षा करने वाला न्यायालय से बढ़ के सरकार हवा का सरकार, मैं पूछना चाहता हूँ कि न्यायालय यदि डिक्लेयर कर चुके हवा के लड़का मन के रोजगार है इकरे हक में अभी तक काबर नहीं मिला थे, पिछले हमन 11 महीना से प्रताड़ित हन पीड़ित हन भैया। मामला क्या है, मामला क्या है भैया? हमारे डीएड बीएड वाले मामला है, डीएड पूरा सुप्रीम कोर्ट ला क्लियर कर चुके हैं, एक बार नहीं चार बार क्लियर करे हवा, फिर भी अभी तक देखिए कोर्ट ने इसमें स्पष्ट कहा है कि 5 सप्ताह के भीतर 6 सप्ताह के भीतर जो है ज्वाइनिंग पद है उसको जो है निरस्त करना है और निमी जो है डीएड वालों को नियुक्ति देना है, तो इनका सवाल ये है। ठीक है ठीक है, अब मैं चाहूंगा हमारी सहयोगी लक्षिका सामने से सवाल लेते जाएं और अब ये एक एक करके सबका सवाल लिया जाएगा। आप बैठते जाएं, आप भैया सुनिए, ऐसा सवाल करेंगे तो नेता है वो भी बेचारे व्यस्त रहते हैं, आप बैठते जाए सवाल होते जाएंगे। ठीक है, अंतिम में मैं ये चाहूंगा बीएड वालों का जवाब दे दो भैया, वो बीएड वाले जो हमारे साथी आए हैं उनका जवाब दे दो भैया, आपकी सरकार है अभी, आपकी सरकार है, आप जवाब दो उनका। भूपेश बघेल की बीएड का जवाब दो भूपेश बघेल भूपेश भूपेश बघेल से सवाल सुनिए सर, सवाल सुनेंगे तभी जवाब हो पाएगा भैया। हम लोग बलराम भाई, हम बलरामपुर सरगुजा से इतना दूर से हम आपके माध्यम से यहाँ बस आए हैं, एक बार जोरदार न्याय कब मिलेगा? आखिर आप हमारे शिक्षा के स्तर पर आप चुप क्यों हो जाते हैं? आखिर यह शिक्षा देश को निर्माण कौन करता है? शिक्षा और शिक्षा के व्यवस्था में स्कूल में योग्य शिक्षक नहीं जाएंगे तो लोग सवाल क्या है? सवाल यही है कि डीएड को नियुक्ति आप कब दोगे? न्यायालय ने दे दिया था, कब दोगे नियुक्ति? 6 सप्ताह हो गए नियुक्ति इधर है। देखिए सत्य सत्य सत्य, डीएड का जो विषय है ठीक है, मैं जो न्यायालय का आदेश होगा उसके अनुसार सरकार निर्णय लेगी। युवाओं से भूपेश बघेल की सरकार नहीं है, इतने महीनों से क्यों नहीं हुआ? आपको इतने महीनों से क्यों नहीं हुआ? भरोसा रखिए, ये विष्णुदेव साई की सरकार है, सब साथियों से वादों को पूरा करेंगे। कोर्ट का निर्णय होगा, बोलिए मोदी जिंदाबाद, बोलिए अगला सवाल लेते हैं। और भी युवा दूर दूर से पहुंचे हुए यहाँ पे, बीएड वाले साथियों से निवेदन है आपके पक्ष में निर्णय ना हो तो बताना, हम सब आपके साथ चलेंगे इस लड़ाई में। सत्ता में आने वाले नहीं है, और बता रहा हूँ आपको, और बता रहा हूँ, और बता रहा हूँ, ये निर्णय नहीं है, ये निर्णय नहीं है। कैमरा मैन से चाहूंगा, लड़ाई को ठीक है, इन्होंने ही आपको कटघरे में खड़े किया है। मैं ये चाहूंगा ना बजेगी बांसुरी, कांग्रेस पार्टी बजेगी बांसुरी, सरकार में आना नहीं है। सवाल पूछो, सवाल मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है बीएड वालों के साथ न्याय होगा। मैं आपसे पुनः कह चुका हूँ और बार बार कह रहा हूँ कि हर कार्यक्रम की अपनी एक मर्यादा होती है। जिंदाबाद भैया, दो मिनट शांत रहेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हमारे लिए तो संजय श्रीवास्तव भी जिंदाबाद है, हमारे लिए पंकज शर्मा भी जिंदाबाद है, हमारे लिए राजीव चक्रवर्ती भी जिंदाबाद है, केदार गुप्ता भी जिंदाबाद है, पंकज शर्मा जी, सुबोध हरितवाल सब जिंदाबाद है, क्योंकि ये सब रायपुर के नागरिक है, ये मेरे छत्तीसगढ़ के नागरिक है। इसलिए किसी के खिलाफ मुर्दाबाद सुर्दाबाद के नारे कृपया करके आप ना लगाए। सवाल जिसको भी सवाल करना है वो सवाल पूछ सकता है। यहाँ पे लाइए जी। देखिए मैं कांग्रेस के भाइयों को बोलना चाहता हूँ, भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ, ये हमेशा विरोध करते रहे चाहे केंद्र सरकार का हो राज्य सरकार को। सुबोध भैया जी सबसे बात कर रहे थे, मैं सुबोध भैया से ये पूछना चाहता हूँ भैया, आप लोग ये सब साथियों के लिए मैं एक शेर कहना चाहता हूँ। अरे की बात से बात सुलझ जाती है, अरे देश की चिंता मत करो, सुन लो भैया, देश की बात करो भैया, भूपेश बघेल जी ले लो सवाल, बोल रहा अरे सवाल नहीं सुन रहा, इतना भैया प्रवक्ता इतना जो नया राशन कार्ड बना रहे हैं उसमें चावल 5 किलो कर दिए हैं, तो चावल पिछली बार से कांग्रेस सरकार से कम क्यों करे हैं? ठीक है ठीक, मैं ये कह रहा हूँ कि बात से बात सुलझ जाती है, बड़ी मुश्किल से एक छोटी सी प्यारी सी बिटिया यहाँ तक आई है, और मैं ये कहता हूँ कि घर में यदि बेटी का सम्मान ना हो तो अच्छी बात नहीं होगी। एक लड़की पीछे से आई है, यदि कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी की बात करती है तो वो IIT बनवाने की बात अपनी मैनिफेस्टो में क्यों नहीं करती है?
यदि यदि वो मुफ्त खोरी की बात क्यों करती है आरक्षण दे देते आईटी जानते नहीं क्या होता है। यदि आप लोगों को बच्चों की पढ़ाई की रोजगार की इतनी चिंता है तो आप पढ़ाई से रिलेटेड कभी कुछ क्यों नहीं निकालते हैं सर। और जी मैं सुबोध भैया से ये प्रश्न पूछ